नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है और राज्य के 19 जिलों की 79 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन सीटों पर 788 प्रत्याशी भाग्य जो है अपना आजमा रहे हैं और चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी, एसपी और सीपीएम, टीपी सहित 36 अन्य दलों ने अपने प्रत्याशी पहले चरण की सीटों पर उतारे हैं। अब तक गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है और इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। आम आदमी पार्टी 181 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और पिछली बार गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, गुजरात चुनाव का आज पहला चरण है। मैं अपील करता हूं कि जो लोग आज वोटिंग करने वाले हैं और खासकर जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, सभी रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि पिछले 2 दशकों में गुजरात विकास और शांति का पर्याय बना है और जिस पर हर भारतीय को गर्व है, और लेकिन ये गुजरात वासियों द्वारा चुनी मजबूत सरकार के कारण संभव हो पाया है। मैं प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और संख्या में मतदान करें। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में गुजरात विकास और शांति का पर्याय बना है जिस पर हर भारतीय को गर्व है, लेकिन ये गुजरात वासियों द्वारा चुनी मजबूत सरकार के कारण संभव हो पाया है। मैं प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और संख्या में मतदान करें। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गुजरात के 182 सदस्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। 1 दिसंबर को पहला और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान किए जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए ही कुल 25,434 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं और इसमें से 9,018 शहरी पोलिंग स्टेशन और 16,416 ग्रामीण पोलिंग स्टेशन है। गुजरात चुनाव के पहले फेज में कुल मिलाकर 2.29 करोड़ और इसके साथ ही वोटर हैं, और अब बताया जा रहा है जिसमें से कई पुरुष वोटर हैं और कई महिला वोटर भी हैं। और इसके अलावा पहला फेज में ही 497 थर्ड जेंडर के लिए भी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि कठुआ जिले के बानी इलाके में बुधवार देर शाम को एक निजी वाहन चालक ने अनियंत्रित से बाहर हो गया था और वाहन 300 फुट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर मौत हो गई है और पुलिस ने बताया है कि 2 घायलों को चालक ने ही वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और थरकर कार सीधा खाई में जा गिरी। बता दें आपको कि इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए हैं। उन्होंने कार में सवार सभी लोगों को मुख्य सड़क तक लाया गया है और जांच करने पर पता चला है कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। 2 अन्य घायलों को जब अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज हो रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संस्थापक दिवस पर समारोह को संबोधित कर रहे थे और समारोह में मुख्यमंत्री ने 504 करोड़ रुपए की 133 निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही और 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के 24 निवेशकों को भूमि आवंटित प्रमाण पत्र प्रदान किया और इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों और जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, यहाँ गुंडागर्दी, अराजकता और सत्ता
संरक्षित अपराध का बोलबाला था, जबकि आज सर्वाधिक सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में है। अपराध पर नकेल कसने के साथ ही सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से निवेशकों को सुविधा दी। निवेश मित्र पोर्टल के सिग्नल विंडो से ऑटो मोड पर 340 से अधिक सेवाएं निवेशकों के लिए उपलब्ध है और ये देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए 25 सेक्टर चिन्हित किए हैं और इन सेक्टरों से जुड़े इंसेंटिव भी पोर्टल के माध्यम से ऑटो मोड पर निवेशकों को पर्याप्त होते रहेंगे। किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और इन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी और समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय सुबह करेगा। स्वयं की भी और अपनी पूंजी की भी। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को हम दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र जो अपना पोर्टल तैयार किया है, सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करते हुए 340 से अधिक सेवाएं ऐसी दी हैं कि निवेशक आवेदन करेगा, वे 340 से अधिक सेवाएं ऑटो मोड पर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वे सारा कार्य उसको करते हुए दिखाई देंगे। और अब तो हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो निवेशक निवेश करेगा शासन से किसी पॉलिसी के अंतर्गत, हमने 25 ऐसे सेक्टर चिन्हित किए हैं जिसमें प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाएं हैं और उसमें किसी भी निवेशक और उद्यमी को उससे शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम उस पोर्टल के माध्यम से वो जैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा उसमें ऑटो मोड पर वह पैसा। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया सीएम योगी ने। जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरा इनका जो है चल रहा है, मतलब जो है 5 साल पूरे होने के बाद दूसरे कार्यकाल भी चल रहे हैं, लेकिन जो है 5 सालों में जो कार्यकाल रहा है विकास के, गोरखपुर को विकास विकास की ओर ले जाने की और सारी योजनाएं से बड़ी उद्योगपति हो या कोई भी हो, शहरवासी हो, सबको विकास की राह पर ले जाने का काम किया है। उसी के तहत कल जो है 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया गया, जिसमें 1200 करोड़ निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को भूमि प्रदान किया और आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया। 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का किया गया और भागा शिलान्यास जिला के स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में उसी के दौरान उन्होंने सारे काम किए। उनका कहना है की पहले जो भी है गोरखपुर में लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, कोई भी उद्योगपति या कोई भी इंडस्ट्री खाली खुले हुए थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं सभी उद्योगपतियों को जो है संरक्षण देने का काम किया है, जैसे कि गुंडा गुंडा से चोहा या गुंडा नदी या किसी भी तरीके से उनको कोई भी दिक्कतें ना आने पाए, उनको पूरी तरह से सुरक्षा देने की बात कही योगी आदित्यनाथ ने। और उसके जरिए जो है चाहे भूमाफिया हो चाहे किसी भी प्रकार की माफिया, उनको दूर करने का पहले से उन्होंने जब खबर लिया था सभी ने सभी दिखा लिया था। और सभी जो इंडस्ट्री वाहन जो गोरखपुर निवेशक के वाहन लिया और जो गगन निवेश करते थे सभी लोगों से बैठक किया, उसके बाद सभी को स्वच्छता देने की बात करें और निवेश को जो वाहन से निवेशक थे गोरखपुर आज निवेश करें और विकास गोरखपुर बढ़ता जा रहा है। जी जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए, लेकिन आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना समारोह में गीड़ा प्रबंधन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भीड़ इकट्ठा किया था और इसके लिए जिला के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और स्कूली बच्चों को बुलाया गया था। कार्यक्रम के बाद इन्हें नाश्ते का पैकेट भी दिया गया था, लेकिन व्यवस्था ठीक न होने की वजह से अफरा तफरी हो गई और नाश्ते के पैकेट पर लूट मच गई। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार दिनेश कुमार बने हुए हैं। दिनेश, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए।
तो आपको बता दें गोरखपुर से खबर है, जहां पर खाने के पैकेट को लेकर लूट मची हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम के कार्यक्रम के बाद ये विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में से खबर है, जहां पर बताया ये भी जा रहा है कि नाश्ते को लेकर ये बवाल देखने को मिला है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना समारोह में गीडा प्रबंधन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भीड़ इकट्ठा किया था और इसके लिए जिला के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर और स्कूली बच्चों को बुलाया गया था, जहां पर यह बवाल हुआ है। एक तरफ जहां खाद की शॉर्टेज चल रही है और किसानों को लगातार घंटों लाइनों में लगकर मांग से कम खाद मिल पा रहा है, और इस बीच अलीगढ़ में शॉर्टेज का फायदा उठाते हुए एक ट्रक ड्राइवर द्वारा 8 लाख की कीमत के 500 खाद के बोरे अपने साथियों के साथ मिलकर मात्र 3.5 लाख में बेच डाले और खाद से भरे ट्रक को खाली अवस्था में ही काशगंज में लावारिस छोड़कर फरार हो गया। खाद स्वामी की शिकायत के बाद ही बन्ना देवी थाना पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को इलाके के बरोला पुल के से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कड़ी पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। आरोपी ड्राइवर की निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर बेचे गए खाद के 500 बोरों को बरामद किया गया और खाद खरीदने और सहयोगी 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया है कि इस घटना को ड्राइवर समेत करीब 6 लोगों ने अंजाम दिया था और 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ये 23-24 तारीख को थाना बन्ना देवी स्थित बांकीलाल प्रोप्राइटर्स द्वारा ये सूचना दी गई थी कि इनके यहाँ पर एक ट्रक जो कि जिसका नंबर UP81AF8781 था, ये 500 बोरी DAP लेके निकला था और जो अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पाली मुकिमपुर पे जाना था वहाँ पहुँचा नहीं था। इस संबंध में पुलिस द्वारा 495 कट्टे बरामद किए गए हैं और इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम है सुलह सिंह पुत्र रसकलाल जो ट्रक चला रहा था, प्रेमपाल पुत्र हजारीलाल, अमर सिंह पुत्र होती सिंह और भूप सिंह रामजीलाल जो कि पूरा माल अपने पास छुपा रखे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, पूरा मामला क्या है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो है बन्ना देवी पुलिस की टीम द्वारा जो है 8 लाख की खाद के साथ साथ 3.5 लाख 8 लाख की खाद का जो है 3.5 लाख में सौदा किया गया था। इसको लेकर चालक के द्वारा एक योजना जो है बनाई गई थी। चालक जो है यहाँ से 500 कट्टे खाद के जो है लेकर निकला था और रास्ते में जो है उसने जो है अपने साथियों के साथ जो योजना बनाई थी, खाद के कद्दों को जो है वहां से उतार कर अलग भिजवा दिया गया और ट्रक को कहीं अलग गुमशुदगी में दिखा दिया गया, जिसके बाद जो है पुलिस की जो संदेह के घेरे में जो चालक बना रहा और चालक से कड़ाई से पूछताछ करने के साथ साथ पूरे माल की जो बरामदगी की गई, बरामदगी करने के साथ साथ 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। 500 कट्टों में से 485 कट्टे पुलिस ने जो है बरामद करे। जी आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मामला थाना दिल्ली गेट के क्षेत्र के खेर रोड कब्रिस्तान के पास का है, जहां मुखबिरी के नाम पर पुलिस से ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए 3 युवक अलग अलग जिले से हैं और पुलिस के आला अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये गिरोह चोरी के वाहन बरामद करने के नाम पर पुलिस से पेट्रोल डलवाने के बहाने ऑनलाइन पैसे डलवाते थे और वहीं उन्होंने दिल्ली गेट पुलिस को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन थाना प्रभारी को इन पर संदेह हुआ तो सर्विलेंस के माध्यम से इनकी जानकारी निकाली गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के थाना दिल्ली गेट पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय ठगी गैंग को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत थाना दिल्ली गेट पुलिस द्वारा एक संगठित अंतर जनपदीय ठगी के गैंग को
भांडाफोड़ किया गया, जिसमें जिसमें तीन व्यक्ति जिनके नाम नितिन उर्फ निखिल शर्मा, आशीष उर्फ आशु, मोनू सनव बलवीर को गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे प्रोक्योर किए गए सिम कार्ड से कॉल करके विभिन्न जनपदों के थाना प्रभारियों को कॉल किया करते थे। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि साइबर के जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा जो है अनेकों जो है जनता को जागरूक किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि पुलिस खुद ही जागरूक नहीं है। जो कल जो अंतर जनपदीय गैंग को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये जो है कभी मुखबिर बनकर कभी अधिकारी बनकर पुलिस के साथ ठगी किया करते थे। चोरी के बहाने बरामद कराने के बहाने पुलिस के द्वारा पुलिस से जो है पेट्रोल डलवाने के नाम पर जो है ऑनलाइन पैसे डलवाते थे। वहीं जो है इन्होंने जो एक जाल बिछाया कि एलियट पुलिस को जिन्होंने सूचना दी कि एक चोरी का वाहन यहाँ से निकला है, हमें जो है इसको पकड़ने के लिए ऑनलाइन पैसे आप ट्रांसफर कर दीजिए, हम इसके पीछे लगे हुए हैं। तो पुलिस को संदेह हुआ, संदेह होने के साथ साथ ही उनकी जो है सर्विलांस के माध्यम से जानकारी निकाली गई, साथ ही साथ एक पुलिस के द्वारा जाल बिछाया गया, उस जाल में फंस गए और पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। थाना इगलास क्षेत्र के गुरई चौकी अंतर्गत ग्राम अमरपुर थाना में अवैध हथियार का प्रदर्शन करते तीन युवक और तीनों युवकों के अवैध तमंचा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है और तीनों युवक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं एक युवक का नाम अशोक का पुत्र कालीचरण प्रकाश में आया है। पूरा मामला थाना इगलास क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ से युवकों ने अवैध तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, फोटो सोशल मीडिया पर डाली और जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो रही है। फतेहपुर में कई बैंक और मल्टी स्टेट प्राइवेट कंपनी के लोगों द्वारा निवेशकों का पैसा जमा कर भाग जाने के बाद पैसा वापसी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पहुंचे निवेशकों ने केंद्र और प्रदेश से कार्रवाई करते हुए पैसा वापस दिलाने की आवाज उठाई और चुनाव से पहले पैसा न मिलने पर नारा लगाया कि पहले भुगतान फिर मतदान, नहीं तो मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दे डाली है। किस तरीके से उनको आप न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, हम जनता जागरण को जगा रहे हैं। हमारा काम है जगाना। हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक आदरणीय मदन लाल आजाद जी हैं, जो कि दिल्ली में निवास करते हैं। उन्होंने एक राष्ट्रीय कमेटी बना करके लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है कि ठगों और बेईमानों से भारत को मुक्त कराया जाए, इसी का संकल्प लेकर यात्रा चल रही है। आज क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम फतेहपुर से शुरुआत की गई है। बांदा में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे महिलाओं के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि खेत पर लगे झाकर हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं और जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गाजीपुर के सेदपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर ककरही गांव के हरिजन बस्ती में मई महीने में भुट्टी राम के घर उसी की बेटी का बारात आया था और जिसमें कुछ युवक डीजे पर डांस करते हुए कट्टा लहरा रहे हैं और जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच पड़ताल की जा रही है तो पता चला है कि उक्त वीडियो नारायणपुर ककरही के हरिजन बस्ती का है और जिसमें विपुल कुमार नाम का युवक अपने साथियों के साथ कट्टा लहराते हुए डांस कर रहा है और आज पुलिस ने सादात थाना के अंडरपास से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके पास से कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। तो आपको बता दें, गाजीपुर से खबर है, जहां पर सोशल मीडिया पर
युवक का कट्टा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ। बता दें कि डीजे पर ये युवक डांस करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और युवक को गिरफ्तार किया गया। बता दें आपको कि वीडियो में हथियार लहराते हुए युवक नजर आया, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा और उसके साथी भी वहां पर लहराते हुए हथियार नजर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिंदा कारतूस भी युवक के पास से बरामद किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है सैदपुर के गांव का है, जहां पर बीते दिनों जो है कुछ युवक जो है मतलब कट्टा लेकर जो है मतलब सरेआम जो है लड़ा रहे थे और वहीं पर वीडियो भी बना रहे थे, जिसको लेकर के ये वीडियो काफी वायरल हुआ। और जब ये पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस के लिए किरकिरी बन गई और पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये तीन युवक थे, जिसमें कि तीनों दो जो है सरेआम जो है कट्टा लहरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सरदर्द बना था और पुलिस ने तत्काल इसको एक्शन में करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है। कितने अभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं मेहताब? आपको बता दें कि एक आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस अभी जो है दो आरोपियों को ढूंढ रही है, लेकिन अभी भी वो पुलिस पकड़ से बाहर है। उनका भी जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा और वो भी पकड़ जाएंगे। जी, अब पुलिस का क्या एक्शन रहेगा इस पे मेहताब? अब पुलिस का साफ कहना है कि इस तरह का जो भी व्यक्ति चाहे जो भी आदमी जो इस तरह का जो है खुलेआम जो है जो कट्टा लहराएगा शादी में ब्याह में, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेहताब, ये कुछ जानकारी सामने आ पाई है कि किसकी शादी थी और यहाँ पे खुलेआम जो ये युवक है बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो पाई है अभी तक? आपको बता दें कि ये शादी जो है करीब मई की, ये शादी मई की थी और मई के महीने में ये युवक जो है सरेआम जो है डांस कर रहे थे डीजे पर और डीजे पर डांस करते हुए वहां पे कट्टा इस तरह से लहरा रहे थे। और जब ये सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस ने आनंद फानंद में एक युवक को गिरफ्तार मतलब कर लिया है और दो की अभी तलाशी की जा रही है। जी मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। सपा सरकार में दर्जा मंत्री रहे और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल की कैद हुई है। आपको बताते चले कि साल 2000 में थाना गल शहीद में मुकदमा अपराध संख्या 236 में हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ धारा 420 और धारा 468 और 471 में केस दर्ज हुआ था और MP MLA कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में उन्हें 7 साल कैद सजा सुनाई थी। और जिसको लेकर आपको बताते चले कि इकराम कुरैशी सपा में कद्दावर नेता रह चुके हैं, उन्होंने सपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। MP MLA कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। तो मुरादाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सजा जो दी गई थी हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल की कैद की सजा दी गई और जिसके बाद सपा सरकार में दर्जा मंत्री रहे हैं और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल की सजा हुई है। और आपको बता दें कि 2000 में थाना गल शहीद में मुकदमा अपराध संख्या 236 में हाजी इकबाल कुरैशी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। MP MLA ने बिजली चोरी के एक मामले में उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। और आपको ये भी बता दें कि इकराम कुरैशी सपा में कद्दावर नेता रह चुके हैं, उन्होंने सपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। MP MLA कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
अमेठी में दबंगों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। यहाँ लगातार एक के बाद एक मारपीट की घटनाएं हो रही हैं और वहीं पुलिस पर आरोप है कि पुलिस कार्रवाई की वजह समझौता का दबाव बना रही है। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग दलित युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गोरा का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि अमेठी से खबर है, जहां पर खाकी का खौफ खत्म होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आए दिन दबंग यहां पर मारपीट करते रहते हैं, जिसको लेकर अब वीडियो भी सामने आई है और यहां पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। थाना जामो जनपद अमेठी का बताया जा रहा है मामला। बता दें कि पुलिस पर आरोप है कि पुलिस कार्रवाई की बजाय समझौता का दबाव बना रही है। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग दलित युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं अमेठी से खबर, जहाँ पर खाकी का खौफ अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी में दबंगों में खाकी का खौफ साफ तौर पर खत्म हो रहा है। यहाँ लगातार एक के बाद एक मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। वहीं पुलिस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई की बजाय समझौता का दबाव बना रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग दलित युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला बता दें आपको कि अमेठी के जामो थाना क्षेत्र का गोरा का बताया जा रहा है। फरुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लग गई है और जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर घायल युवक को परिजनों ने भर्ती कराया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच में जुट गई है। तो फरुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर युवक को गोली लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी है और गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया और गंभीर घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक गोली लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।